तो आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे बढ़ता हुआ नेटवर्क आवाज न्यूज सेंटर। चलिए ले चलते हैं जयपुर के कैबला मैदान की ओर। अब इसे राजनीतिक रूप कहा जाए या खेल की भावना कहा जाए, 2 जनवरी को स्वाधीन फाउंडेशन की तरफ से क्रिकेट लीग का आयोजन होने वाला था, लेकिन इस क्रिकेट लीग पर अभिवाद मंडराने लगा है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने और सीओ कर्बला मैदान या वक्फ बोर्ड के सीओ ने अकील अहमद जी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और बताया गया है कि बिना किसी अनुमति के कर्बला मैदान पर किसी प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए। अगर इसे राजनीतिक रूप से देखा जाए तो आपको बता दें कि 250 वार्डों के टीम को लेकर 250 वार्डों के साथ में एक क्रिकेट का बड़ा आयोजन कर्बला मैदान पर आयोजित होने जा रहा है, जिसका नेतृत्व रोहित जोशी जी के पास में है। आपको बता दें कि रोहित जोशी जी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के पुत्र हैं, जिसे राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं रोहित जोशी को अब राजनीति के गलियारों में उतरने की कोशिश भी की जा रही है। मैं अभी अपने कर्बला जो दरगाह है वहाँ पे एक मैदान है, कर्बला मैदान की तरफ मैं आया हुआ हूँ, और यहाँ पे जो अभी हाल ही में जो एक लीग उतरने वाली है, जो कि महेश जोशी जी के द्वारा यहाँ पे लीग उतारी जाएगी, उसी लीग के अंदर यहाँ पे एक जो मैदान है, मैदान के अंदर जो एक पक्का पिच बनाया जा रहा है, उसी पक्के पिच को लेकर यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। आइए उन्हीं लोगों से कुछ बात करते हैं जो कि जो आपत्ति है। आइए बात करते हैं। जी सर, सर जो आपका नाम बताएंगे? डॉक्टर शब्बीर खान मेरा नाम है, राजस्थान बाप संपत्ति संरक्षण विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी सर, ये जो पिच बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, जो लीग उतारी जा रही है, उसके विषय में आप कुछ बताएं, क्या बात है? ये हमारे बुजुर्गों ने जो भूमि या जितनी बप संपत्ति को दी थी वक्फ बोर्ड को, कि आप इनकी हिफाजत करें, लेकिन वो हिफाजत करने में नाकाम रह रही है। और अभी कांग्रेस के मंत्री महेश जोशी जी लीग मैच करवा रहे, वो भी हमारे वक्फ की संपत्ति के ऊपर करवा रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत है। वक्फ संपत्ति को किसी भी तरीके से छिन्न भिन्न करना कानूनन अपराध है और न इनको कोई अधिकार बनता है। इसलिए हम वक्फ संपत्ति संरक्षण विंग वाले इसका पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस पिच को वापस से उखाड़ दी जाए। जी सर, और कुछ आप बताएंगे? मेरा नाम नवाब कुरैशी, मैं रंग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ जो कार्य हो रहा है वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर और वक्फ की ज़मीन पे, अवैध तरह से ये कार्य कर रहे हैं पिच बनाने का, क्रिकेट खिलाने का, यानी कि एक MLA महेश जोशी जी जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य बिल्कुल गलत कार्य है, हम इसका फुल जोर विरोध करते हैं। जी आइए सर। भाई जी सर, यहाँ पर जो क्रिकेट पिच बनाई जा रही है, ये इल्लीगल है, और वक्फ की संपत्ति में ऐसा कोई अधिकार इनका नहीं हो सकता। तो हमारा ये निवेदन है कि इस पिच को उखाड़ा जाए और जहाँ से इसको हटाया जाए और वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण किया जाए। जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ कर्बला मैदान के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, उस ज़मीन के ऊपर यहाँ पे जो क्रिकेट लीग खिलाई जा रही है, उसी का ये विरोध कर रहे हैं, उसी के लिए ये एकीकृत हुए हैं। आइए हम इसी कृत के लिए, जो भी हमने आपको बताया है, जो अभी आपने अभी सुना है, हम उसी के लिए अब आगे जाके और बातचीत करेंगे, आपको आगे दिखाएंगे। इसी के लिए मैं अभी अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार, मैं आवाज़ न्यूज़।